हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी मेरा नाम निधि तोमर है तो आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो so दैट कि आपका एक रिवीजन जो हो वो बेसिक से होते होते आप सब हम सब टॉपिक्स को डिस्कस कर ले ठीक है तो सीरीज़ में चलेंगे हम लोग ओके okay? तो सबसे पहले जो आता है टॉपिक वो आता है इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स इंडिया से रिलेटेड जोग्राफिकल फैक्ट्स है ना तो बहुत इजी है ये सारे फैक्ट्स बहुत इजी टॉपिक है लेकिन समटाइम्स हम इनमें से भी गलतियां कर देते हैं है ना तो इसीलिए लिए जरूरी होता है कि इनको हम अच्छे से रिवाइज करें बार बार रिवाइज करें ओके क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो अगर हमें सच में अपने एज लेनी है कॉम्पिटिशन में अपने आप को ऊपर रखना है तो उसके लिए हमें कम से कम अपने जो बेसिक चीज़ें सिंपल है, चीज़ें हैं उनको तो बिल्कुल टिप्स पे रखना होगा राइट तो इसीलिए अपनी जो रिविजन सीरीज है वो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ठीक है हमारा जो लॉन्जिट्यूड है वो क्या है 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्जीट्यूड ठीक है भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार क्या है 68 डिग्री सेवन सेवन पूर्व से लेकर 97 डिग्री 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक ओके okay? तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है तो इसलिए आपको इनको याद ही रखना पड़ेगा ज, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार ही होगा उतने ही आपको याद रहेंगी चीज़ें तो सिक्सटी डिग्री सेवन ईस्ट To 97 डिग्री 25 ईस्ट क्या है लॉन्जिट्यूड है जब भी ईस्ट वेस्ट की बात आती है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात आती है ये हमारा ईस्ट है ये वेस्ट है तो तब हमारा क्या होता है लॉन्जिट्यूड ओके okay? क्योंकि वो आपको इसमें भी कंफ्यूज कर सकता है ठीक है और दूसरा पॉइंट क्या है साउथ नॉर्थ एक्सटेंट साउथ और नॉर्थ एक्सटेंट क्या है साउथ एंड नॉर्थ ठीक है तो साउथ में क्या हो जाएगा एट डिग्री एट डिग्री फोर्थ नॉर्थ ऊपर नॉर्थ में क्या आएगा थर्टी सेवन डिग्री और ये क्या हो जाएगा हमारा लैटिट्यूड अंशांश ठीक है लैटिट्यूड तो क्या है ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंड की बात हो रही है नॉर्थ में क्या है थर्टी सेवन डिग्री सिक्स नॉर्थ और नीचे क्या है एट डिग्री फोर्थ नॉर्थ ठीक है एक बार और देख लेते जल्दी से इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो एट डिग्री फोर्थ नॉर्थ टू थर्टी सेवन डिग्री सिक्स नॉर्थ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या हो जाएगा सिक्सटी एट डिग्री सेवन ईस्ट टू 97 सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ओके मैप भी देख लेते हैं एक बार अब और अच्छे से याद हो जाएंगे आपको चीजें ठीक है क्योंकि जब कोई पिक्चर हमारे सामने आती है तो वो एकदम से छप जाती है दिमाग में और याद रहता है ठीक है तो जल्दी से फटाक से देख लीजिए थर्टी सेवन डिग्री थर्टी सेवन डिग्री सिक्स नॉर्थ ये क्या है ऊपर का यहाँ पे इंडिया का खत्म हो जाता है इसके बाद ठीक है तो ये नॉर्थ और अगर साउथ में जाए तो एट डिग्री फोर्थ नॉर्थ ठीक है और अगर वेस्ट की बात करें तो सिक्सटी एट सेवन डिग्री ईस्ट एंड इधर 97 सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव ईस्ट ठीक है तो ये क्या है ये क्या है ऐसे खड़े होंगे जो तो लॉन्जिट्यूड लौ, ठीक है और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऐसे लेटा देंगे और जब लेटा देते तो क्या बनता है लैटिट्यूड ठीक है लैटिट्यूड ओके अभी इन पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए इनको इग्नोर कर दीजिए ये हमारे इनको अभी इग्नोर कर दीजिए अभी इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इसके बारे में ठीक है अभी बस यही याद रखिए अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है कंट्री का भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है ठीक है एक फैक्ट यहाँ से निकल के आता है जिसपे क्वेश्चन आ ही जाता है तो ये आपको याद जरूर से जरूर रखना है ठीक है क्या है सबको इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट लेकिन ये भी याद रखना है कि इंदिरा पॉइंट को पाइक मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है सबको पता होगा कि इंदिरा पॉइंट बोला जाता है लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इसको पाइक मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है और एग्जाम में यहीं पर खेलता है एग्जामिनर ठीक है वो इंदिरा पॉइंट नहीं देगा उसको पता है कि इसको तो आराम से कर लेंगे सब बच्चे पाइक मेलियन पॉइंट का नाम लिखेगा फिर हम सब लोग कन्फ्यूज कि क्या था ये पाइक मिलियन पॉइंट जबकि हमको पता है कि ये क्या है सदर मोस्ट पॉइंट है क्या है सदन मोस्ट पॉइंट सबसे नीचे वाला बिंदु अगर इंडिया की बात करें दक्षिण दक्षिणी बिंदु कौन सा है पाइक मेलियन पॉइंट और यहीं पे इसको बताया गया सिक्स डिग्री फोर्थ फोर्टी फाइव नॉर्थ की अगर बात करें तो सिक्स डिग्री फोर्टी फाइव नॉर्थ नॉर्थ लैटिट्यूड पर इंदिरा पॉइंट है क्या है इंदिरा पॉइंट या फिर पाइक मेलियन पॉइंट ओके आ आगे समझ और नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम इंदिरा कोल इन काश्मीर टू कन्याकुमारी इज थ्री टू वन फोर किलोमीटर कितना है नॉर्थ साउथ एक्सटेंड इंदिरा कोल से इंद्राकोल से लेकर कन्याकुमारी तक कितना है थ्री टू वन फोर किलोमीटर ठीक है थ्री टू वन फोर किलोमीटर मैप में देखे तो ये जो ऊपर दिया हुआ है पॉइंट थर्टी फाइव डिग्री थर्टी नाइन नॉर्थ ये क्या है ये इंदिरा कोल पॉइंट है अगर हम कहेंगे कि नर्दन मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो वो कौन सा है इंदिरा कोल ठीक है इंदिरा ईस्ट वेस्ट में क्या है से लेकर रन ऑफ कहां पर है रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात इट इज इन गुजरात में है ठीक है यहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारा पूर्व पश्चिमी की चौड़ाई है वो कितनी है टू नाइनटी थ्री किलोमीटर ठीक है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो पूर्वी जो बिंदु है हमारा वो क्या है अरुणाचल प्रदेश ठीक है और वेस्ट में क्या आ जाएगा गुजरात पश्चिम में गुजरात और ये कितना है टू नाइन थ्री थ्री किलोमीटर और नॉर्थ और, और साउथ एक्सटेंड के हमने क्या बात की थी जहाँ पे था इंदिरा कौल लेकर और नीचे कहाँ पे आ गए हम कन्याकुमारी वो कितना था थ्री टू वन फोर किलोमीटर थ्री टू वन फोर किलोमीटर तो हमारा कौन सा ज्यादा है नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ज्यादा है ठीक है नॉर्थ और साउथ की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा आपको वो भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ज्यादा है या ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड ज्यादा है इंडिया का ठीक है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे थ्री टू वन फोर किलोमीटर है तो ये ज्यादा है ठीक है तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज मोर देन ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम से ज्यादा उत्तर दक्षिण की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है ओके अब हम जल्दी से एक्सट्रीम पॉइंट्स के के बारे में में बात कर लेते हैं एज इट इज क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग या फिर एक भी से उठा आपसे पूछा जा सकता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हम भूल भी जाते हैं इनको ऑल ये बहुत सिंपल है ठीक है अभी हमने इनकी बात भी की जैसे सदन मोस्ट पॉइंट की जो सबसे दक्षिणी बिंदु क्या था इंदिरा पॉइंट ठीक है पाइगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं जो कि कहा है कन्याकुमारी तमिलनाडु में ठीक है और आपका जो नर्दन मोस्ट पॉइंट है वो क्या है इंदिरा कोल कहां पर है वो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है जम्मू एंड कश्मीर में और वेस्टर्न पॉइंट पॉइंट क्या था हम गुजरात का था रन ऑफ कच्छ से था लेकिन रन ऑफ कच्छ में भी एक पॉइंट है वो है गोरा मोटा या फिर गुहार मोती गोरा मोटा या गुहार मोती ठीक है जो गुजरात का है ये क्या है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में क्या है आपका की भीतू अरुणाचल प्रदेश में है तो अगर पूछा जाए कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो वो क्या है आपका की किबीथू ओके ये चारों ही जो पॉइंट्स हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको इनको टिप्स पर होने चाहिए आपके आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं ठीक है अब अब इंडिया का जो एरिया है ये आ, आ, ये, ये फिगर हमें याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है बस आप याद रखिएगा, इंडिया क्या एक सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज ओके एरिया वाइज इंडिया क्या है सेवन लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज क्या है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया कौन से रैंक पर आती है ओके okay? एरिया वाइज क्या है सेवेंथ एज इट इज स्टेटमेंट पूछ लेगा आपको ऐसे दो स्टेटमेंट दे, दे देंगे पहला स्टेटमेंट दे, दे देंगे इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आपको याद रहना चाहिए ये चीज सेवेंथ लार्जेस्ट और पॉपुलेशन वाइज भी आपको पूछा जा सकता है तो कंफ्यूज मत होना पॉपुलेशन वाइज आप मुझे जब कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा सॉरी इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4 पॉइंट परसेंट टू परसेंट फोर परसेंट ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें से जो टू पॉइंट का किसका है इंडिया का टू पॉइंट फोर परसेंट ठीक है टू पॉइंट फोर प्रतिशत हिस्सा जो है भारत के अंदर आता है ओके okay? तो ये आपको लिखना है टू पॉइंट फोर परसेंट और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है पॉपुलेशन का कितना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा पॉपुलेशन का कितना है साथ में मिलकर तैयारी करेंगे तो तैयारी का मजा ही कुछ और होगा ठीक है तो जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा बिल्कुल भी आलस नहीं करना है नहीं पता है तो गूगल करिए लिखिए ठीक है इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी दूसरों को भी पता चलेगा अगर आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे ठीक है और जब हम कुछ खुद से कोई चीज ढूंढते हैं समटाइम्स वो ज्यादा लंबे समय तक हमें याद रहती है ठीक है तो इसीलिए जो भी मैं पूछ रही हूँ अब वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ सो दैट कि आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं आप भी थोड़ा सा काम करते रहे कहते हैं साथ में टीम में काम करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प होगी आपकी हम तो आपके लिए लेकर आ ही रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट फैक्ट सो दैट कि आपका रिविज़न होता रहे लेकिन आपको भी मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी दोनों साथ में मेहनत करेंगे ऑब्वियसली तो एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता ओके okay? चलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इट इंटू टू लैटिट्यूडिनल हाफ्स आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया से ठीक है जो कंट्री को दो लैटिट्यूडिनल हाफ में बांटती है और कहाँ से पास होती है मध्य से होकर गुजरती है ठीक है जो हमारे भारत को विभाजित करती है दो टुकड़ों में ठीक है दो अनुशास भागों में ओके कहा से होकर गुजरती है इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है ठीक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊंगी बहुत अच्छी ट्रिक भी याद करेंगे ओके okay? अब जो एरिया है टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नियरली ट्वाइस द एरिया विच लाइज टू द साउथ मतलब जो कर्क रेखा है जो अब जैसे कर्क रेखा है जो इंडिया से पास होगी जो भारत के मध्य से पास हो रही है वो क्या जो ऊपर वाला एरिया है ना वो ट्वाइस है डबल है नीचे के एरिया से नीचे के भाग से ऊपर का जो भाग क्षेत्र है वो डबल है ट्वाइस है ठीक है क्या है ट्वाइस है तो ये स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से आपको याद रखना है जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्वेश्चन में एज इट इज पूछ लेगा और फिर वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि नॉर्थ का ज़्यादा है या साउथ का ज़्यादा है दिखने में बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन हम ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे ही प्रश्नों में गलतियां करके आते हैं और अगर ऐसे प्रश्न गलत होने लगे तो फिर गल फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस को ही तो गलत नहीं करना है हमको जो हमें हर जो हमें हर जगह एनसीआर में मिलते हैं जो पिम्पल बेसिक क्वेश्चन हैं बेसिक पॉइंट्स हैं इन्हीं को गलत नहीं करना इन्हीं को हमें टिप्स पे रखना है ठीक है तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि मुझे याद रह जाएगा याद देखिए ढंग से उसको दिमाग में बैठाइए ओके साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ साउथ ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ लाटीट्यूड द कंट्री टेपर्स ऑफ ओवर 100 किलोमीटर इनटू द इंडियन ओशन एज अ पेनसुला मतलब जब ये जो ये वाला एरिया है जो ये वाला जहाँ पे जो चारों तरफ जो है ओशन है इंडिया के सी है तो ये कितना है ये है एट हंड्रेड किलोमीटर कितना है ये एट हंड्रेड किलोमीटर ओके तो ये थे कुछ फैक्ट्स इंडिया से रिलेटेड और भी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने बॉर्डर कंट्रीज लेकर आऊंगी कौन कौन सी स्टेट्स इंडिया की बाहर की कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करती है उनके बारे में बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर कौन कौन से आ, कौन कौन से स्टेट से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बॉर्डर कंट्रीज पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है ठीके? उनको हम यहाँ पर बैठ के याद करेंगे मैं मतलब मेरा जो पर्पज़ रहेगा आपको यहाँ पे ही वीडियो से ही आप याद करके चले जाओ ठीक है तो उस पूरा इस तरीके से मैं आपको कराऊंगी ओके तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इन टॉपिक से वीडियो आएगी आपकी जोग्राफी अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ ठीक है तो बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा और लाइक करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है आपकी नॉलेज बढ़ी है आपको लग रहा है कि सच में आपको हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम के लिए तो प्लीज लाइक द वीडियो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी आपको पता चल जाएंगी है ना ऐसे आपको नहीं पता लगेगा बेल आइकन दबा दीजिएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी तो सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा उनका भी भला होना चाहिए है ना सबका भला होना चाहिए राइट तो यहीं पर मैं वीडियो फिनिश करती हूँ बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिएगा ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच